अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोमवार को ट्रंप पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मिले थे, जहां मोदी के साथ बैठक में ट्रंप ने व्यापार समझौते से लेकर कश्मीर पर सवालों के जवाब दिए। वहीं इमरान के साथ बातचीत के बाद वे कश्मीर पर पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। यहां तक कि ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश भी की, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि इसमें भारत पाक दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। पाक के प्रमुख अखबारों ने ट्रंप के इस रवैये को विश्व में भारत और भारतीय वोटरों के बढ़ते रुतबे से जोड़कर पेश किया है। मोदी ने ट्रंप के सामने कहा, कश्मीर मुद्दा सुलझाना हमारी उपलब्धि। ड्रोन ने बुधवार के अपने संपादकीय में कहा, इमरान कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन विश्व समुदाय की उदासीनता के चलते यह उनके लिए काफी कठिन साबित हो रहा है। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने यह तक कह दिया कि कश्मीर मुद्दा सुलझाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। खुद ट्रंप भी इस्लामी आतंकवाद के बारे में बोलकर चले गए। यानी इस कार्यक्रम में अमेरिका में भारतीय वोटरों का बढ़ता प्रभाव साफ दिखा। साथ ही यह भी सामने आया कि भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती ताकत बन रहा है। इमरान के सामने कश्मीर मुद्दे को टालने की कोशिश में रहे ट्रंप। इमरान के साथ सोमवार को हुई बैठक में भी ट्रंप ने इशारों में बताया कि पाक के साथ बातचीत में उनके लिए अफगानिस्तान मुद्दा ज्यादा अहम है। कश्मीर पर ट्रंप सिर्फ तभी बोले जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बिना सोचे समझे इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आया कि ट्रंप तभी मध्यस्थता करेंगे जब भारत भी विवाद सुलझाने के लिए राजी होगा। यानी इमरान को ट्रंप से कश्मीर पर ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत शुरुआत से ही इस मामले में तीसरे पक्ष के दखल का विरोध करता रहा है। भविष्य में भी वो अमेरिका अपने इस रवैये को बदलता नहीं दिख रहा। भारतीयों को जीतने में लगे हैं ट्रंप। द ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान जहां मोदी ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट किया, वहीं ट्रंप ने इस्लामी आतंकवाद का मुद्दा उठाया। दोनों नेता एक दूसरे का अहंकार साधते नजर आए। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में रहने वाले 40 लाख प्रभावशाली भारतवंशी उनका समर्थन करें। ट्रंप को पता है कि अगर उन्होंने इस वर्ग को जीत लिया तो उन्हें दूसरे वर्गों को अपनी तरफ करने में आसानी होगी।